नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और इसके पहले हम लोगों ने 2.2 लगभग कंप्लीट कर लिया है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.3 शेषफल परिमेय। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनमें आदित्य कुमार हैं, राहुल कुमार हैं, राहुल बाबू भी हैं, भैरव राम गेमिंग, रूपेश, प्रियंका, अमित, संजना तिवारी, चेतन यादव, प्रिया पांडे, दर्शन और रोहित चौहान, अभिजीत, आयुष, प्रियंका द्विवेदी, हिमांशु वर्मा, प्रियंका दुबे, प्रीतम विश्वास और क्या नाम भाई इनका, प्रतिमा विश्वकर्मा, धोनी, अंशिका, संजय सिंह, यशराज। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, माफ़ी चाहते हैं, सबका नाम नहीं ले सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, शेषफल परिमेय हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 छूट जा रहा था, तो मैं इसको बता दूंगा, तब ऊपर वाला मैं करूंगा। हेडिंग लिखा हूं तो मैं उसको अब मिटाऊंगा नहीं, ठीक है? जो हेडिंग लिखा है ना बेटा, वो मिटाया नहीं जाएगा। तो चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो तो 2.2 का जो क्वेश्चन 4 था वो क्या कहता था, चलो पढ़ते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग किताब में देखो, अपने सभी देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना बच्चा? शून्यक। कल मैं बताया नहीं था इसको, क्या बताया था? ना नहीं बताया था शायद, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। चलो देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है भैया बाबू ये, तो इसका क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं हमें। जो सीबीएसई वाले हैं उनके में लिखा होगा फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ऐसे कुछ लिखा होगा इंग्लिश में, मिलता जुलता, हाँ। तो पहला जो दिया है भैया, वो पॉलिनोमियल कौन सी वाला है, देखो का दिया पहला पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5, तो इसके क्या करने हमें, जीरो फाइंड करने हैं, मतलब शून्यक निकालने हैं। तो बच्चा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स जो दिया है उसे जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है? जीरो के बराबर करके इसके क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो यहाँ के बाद हम इधर करेंगे, चूँकि नीचे जगह कम है, तो इसको जीरो के बराबर करने का मतलब है कि एक्स प्लस 5 क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से भैया एक्स का मान निकालोगे बाबू, माइनस का 5 होगा, और ये माइनस का 5 क्या है, इसका शून्यक है। क्या है? इसका शून्यक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रूपेश बेटा देखो मोबाइल नंबर, यहाँ जो कमेंट कर रहे हो ना, बहुत लाते लात मार खाओगे, समझ लो। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? पढ़ने आए हो ना, यहाँ कोई नौटंकी थोड़ी हो रही है, पढ़ लो या तो भाग जाओ यहाँ से, तुरंत भाग जाओ। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, जिनको पढ़ना है दिल से, मतलब ईमानदारी से कुछ सीखना है, जिंदगी में कुछ करना है, जिनको यही सब करना है वो यहाँ से भागें तुरंत। तो ये क्या हुआ आपका, हो गया आंसर, इसे आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसमें थोड़ा सा आपको और एक लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो क्या है समझ लो, इधर साइड में इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें इनका जीरो दिया गया था, आपको सिद्ध करना था कि इन्हें सत्यापित कीजिए ये दिए गए पॉलिनोमियल के यानी बहुपद के जीरो हैं यानी शून्यक हैं या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, जो मान दिया होता था उसको इसमें रखते थे, अगर शून्य आ जाता था तो लिखते थे कि यक्स की जो वैल्यू दी गई है उसको इक्वेशन में पुट करने पर, पॉलिनोमियल में पुट करने पर जीरो आ रहा है, अतः ये इसका शून्यक है, करते थे ना। तो बच्चा हो इसको एक बार चलो इधर वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में कहा तो नहीं करने को, लेकिन मैं आपके विश्वास के लिए इधर करवा देता हूँ, इसको उतारना नहीं, केवल समझ लो, देख लो बस। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये है एक्स प्लस 5, और हमने इसका जो शून्यक निकालना है वो माइनस 5 निकाला है। क्या निकाला है? माइनस 5 निकाला है ना। तो यहाँ पे समझो माइनस 5 निकाला है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस 5 रखें, कहाँ पर, पी ऑफ एक्स की जगह पे, नहीं केवल एक्स की जगह पे, अगर हम यक्स की जगह पे माइनस 5 रखें तो ये जीरो आना चाहिए सब। तो बच्चा ये ऐसे हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य हो रहा है ना।
अगर ये शून्य हो रहे हैं इसका मतलब सही है। संजय सिंह क्लासेज, गुरु जी काहे रो रहे हो भाई, हाँ नाम में तो क्लासेज लगाए हो, नाम के लिए परेशान हो क्यों? चलो समझ गए तो इसको ले लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई मतलब नहीं था, इसको मैं आपको केवल संतुष्टि के लिए करवाया कि आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है। जो बच्चे पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं चैनल पे, वो क्लास है कल वाली, वो देख लें। बेटा दुबे जी, नाम लेके जो कमेंट कर रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो ना, जो नाम लेके कमेंट कर रहे हो किसी का, ये यहाँ पे अलाउ नहीं है। किसी का नाम कोई लेके कमेंट नहीं करेगा, विशेष रूप से बॉयज किसी गर्ल्स का नाम लेके कमेंट नहीं करेंगे। अब पूरी तरह से कड़ाई के साथ यहाँ पे पढ़ाई होगी, हाँ पढ़ाई के साथ साथ तुम लोग की कुटाई भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कुटाई का तात्पर्य है कि तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे बस। अब ऑफलाइन क्लास होती तो वो भी सेवा मिलती, ऑनलाइन में वो सेवा करने का मौका तो मिलता नहीं है, और बिना उस सेवा के तुम्हारी हड्डी मजबूत होती नहीं है। हाँ भाई, सब पढ़ने वाले ही थोड़ी होते हैं, आपको पता है क्लास नाइन्थ में हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा बड़ा होकर के आईएएस बनेगा, अधिकारी बनेगा, जिले का डीएम बनेगा, और कोई बच्चा उसी जिले में सफाईकर्मी बनेगा, नाला में यहाँ यहाँ तक कचड़ा में घुस घुस के नाली साफ करेगा। समझ लो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दिमाग से सोच लो। अभी तुम नाइन्थ में पढ़ रहे हो, तुम्हारा भविष्य आगे बचा है। तुम्ही में से क्लास में, एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे हैं, कोई तो अधिकारी बन जाएगा, जिले का मालिक बनेगा, जो आदेश करेगा उस जिले में लागू होगा, और कोई उसी जिले में सड़क पर झाड़ू लगाएगा, क्यों? सफाईकर्मी भी तो बनेगा ना कोई, तो कौन बनेगा भाई? जो पढ़ रहा है ईमानदारी से कुछ कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, वो अधिकारी बनेगा। और कहा ये जो नंबर दे रहा है फलाने का नाम ले लेके कमेंट कर रहा है, वो क्या करेगा? वो उसी काम में आएगा, समझ लो। तो अब तुम अभी सोच लो कि तुम्हें सफाईकर्मी बनना है हाँ, या फिर जिले का मालिक बनना है, कुछ बड़ा करना है, उसी आधार पे पढ़ो। हाँ भाई, जैसे जो करना है वो, जैसे काम करोगे वैसे तो मिलेगा ना, जो बोओगे वही तो काटोगे। चलो इसका सेकंड पार्ट देख लो। नाइन्थ में हो अभी, तुम्हारा भविष्य सब तुम्हारे आगे है, चाहे बना लो चाहे बिगाड़ लो। इसका सेकंड पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव, ये दिया है। इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है। शून्य का मतलब होता बच्चा जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ भाई? सिंपल सी बात है, इसको जीरो के बराबर करते हैं, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर करते हैं। हाँ, पी ऑफ एक्स बराबर क्या करेंगे, जीरो। तो पी ऑफ एक्स का मान कितना है भैया, इसका मान कितना है, x माइनस पाँच है ना, क्या है, x माइनस पाँच है। तो बेटा ये x माइनस पाँच बराबर क्या करोगे, जीरो। तो x का मान क्या आएगा, पाँच आएगा। देखो मैं दो लाइन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो तुम सोचो ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इसको नीचे एक तरफ करते जाना है। एक मिनट रुको, मैं इतनी लंबी कहानी फालतू का लिखा हूँ, मैं इधर साइड में इसको कर देता हूँ। मैं सोच रहा था इसको फिर से लिखना पड़ेगा इसलिए नहीं मिटाने वाला था, लेकिन मिटा देता हूँ। चलो ये अगले एक्सरसाइज में इसको करवाना था, चलो ठीक है आप समझ लो। इसको मैं थोड़ा विस्तार से एक ही जगह लगा के दिखा देता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे नोट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही करना है। तो बेटा ऐसे नहीं करना, अगर तुम्हारी कॉपी किताब में जगह है तो इसको एक ही लाइन में करना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नीतीश बेटा पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो बस। चलो देखो क्वेश्चन यहाँ पे, मैं इसी का पार्ट दूसरा फिर से करवा रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, इसमें शून्य निकालना है, ये बात तुम याद रखना, शून्य निकालना है मतलब जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सेकंड है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव, ये दिया है। अब यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे बनेगा काम, तो पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो के बराबर करेंगे, तो बेटा ये इसका मतलब यही हुआ, तो एक्स का मान पाँच आया, ये आंसर हुआ। ऐसे लगाना था एक ही जगह पर, नीचे थोड़ा सा कम जगह थी इसलिए मैं उसको दो बार में एडजस्ट कर रहा था बगल बगल, समझ गए। ये पाँच क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। वैसे तो ये एक प्रकार से बहुपद नहीं है, है द्विपद है ना, हाँ द्विपद बोल सकते हो, बाइनोमियल ना। ए बेटा निकुल, तुम नाम लेके कमेंट कर रहे हो ना, नाम लेके कमेंट कर रहे हो ना, पढ़ लो, बता रहा हूँ बार बार। राहुल यादव, सुबह 7 बजे क्लास चलती है, नहीं देख पाए हो
चैनल पे है, जाके बाद में देख लेना, काहे छटपटा रहे हो, नहीं देख पाए हो तो जाके बाद में देख लेना, अभी आज के लिए है। लेकिन रोज़ रोज़ छोड़ोगे नहीं मिलेगी, इसलिए रोज़ मत छोड़ो क्लास। 8 बजे चली थी ना आज, ठीक है आगे चलो। देखो ये दो पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट है इसमें का भाई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका तुम लोग आंसर मुझे बताओगे। चलो इसका सभी बच्चा बताएगा, कितना आएगा भाई इसका शून्यक बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सैटरडे को कल टेस्ट होगा और कल 200 रुपये का सरप्राइज होगा, जो बच्चा 3 क्वेश्चन अधिकतम कर लेगा 10 में से उसे 200 का सरप्राइज मिलेगा तुरंत। याद रखना जितना पढ़ाया हूँ उसी में से पूछा जाएगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। और हाँ हम कुछ नया प्लान भी बना रहे हैं, तुम लोग की कॉपी चेक होने वाला भी, समझ रहे हो ना, कॉपी चेक होने वाला प्लान भी बना रहे हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि तुम्हें अपने आंसर एक निश्चित टाइम दे दिया जाएगा क्वेश्चन लिखने के बाद, उतने जल्दी हमारे पास आ जाने चाहिए। ये नहीं कि तुम चीटिंग वूटिंग करो कहीं ढूंढ ढांड के, नहीं ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। कितना आएगा? यशराज सिंह बता रहे हैं भाई, मनोज कुमार -5/2 बता रहे हैं, दिलीप -5 बता रहे हैं, और लीडर गेमिंग डॉन भाई, तुम लोग का अलग अलग उत्तर आ रहा सबका, हाँ एक का उत्तर आएगा सबका, अलग अलग नहीं आएगा। इसको क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है, सीबीएसई बोर्ड वाला क्या समझेगा, इसका जीरो निकालना है, फाइंड करना है। यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड वाले से आनेंगे कि इसका शून्यक निकालना है, सीबीएसई वालों के लिए इसका जीरो निकालना है भाई, इंग्लिश में बोलेंगे जीरो। तो फाइंड द जीरो ऑफ दिस बाइनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दो पद है ना इसमें, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चा, ये जीरो के बराबर करते हैं, हाँ यही तो करते हैं ना। तो इसका मान क्या है, ये है, ला के इधर पटक दो ना इसमें, 2x + 5 = 0, यहाँ से जीरो का एक्स का मान निकाल लो, ये चचा इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और ये दद्दा इनके इनके नीचे आग लटक जाएंगे, बस होएगा। -5/2 इज करेक्ट, -5/2 इज करेक्ट आंसर। मुझे ज़्यादा इधर नहीं लिखना चाहिए, मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे उधर ज़्यादा लिखना चाहिए जिससे मैं यहाँ कम से कम ऐसे खड़ा तो हो सकूं। तो कुछ समझ में आ रहा है? राधेश्याम महतो बेटा, जो भी नए बच्चे अभी जुड़े हैं बाबू, क्लास को लाइक कर दो जिससे कि आपको अगली क्लास भी मिल सके और आप बिल्कुल फ्री पढ़ सको घर बैठे, ठीक है। एक बात बता दें, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन किए रहोगे तो डेली उस पर लिंक भेजी जाती है जब क्लास शुरू होती है। व्हाट्सएप की सुविधा नहीं बच्चों, माफ़ी चाहते हैं, हमारे पास 3 लाख बच्चे हैं कुल, व्हाट्सएप में 256 लोग जुड़ते हैं, तो हम कितना ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप वाले हमें कहते हैं तो आप फ्रॉड कर रहे हो, इतना सारा मैसेज भेजते हो आप फ्रॉड कर रहे हो, वो हमारा नंबर बंद कर देते हैं, हाँ। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो बड़े प्यार से घर बैठे। हो गया, बोलो यस, सभी बच्चे लिख लिए तो बताओ हाँ लिख लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मोबाइल है या कंप्यूटर है, कुछ भी स्क्रीनशॉट होता है। लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट होता जानते हो, वो विंडो बटन दबाओ, विंडो के बाद PCTR ऐसे कुछ बटन होती है ना एक, मैं बता रहा हूँ एक मिनट, हाँ विंडो के साथ साथ तुम्हें F9 के बगल वाली बटन दबानी है बस, F10 एक प्रकार से भाई, हमारे में तो ऐसे ही होता है डेल में, अब मालूम नहीं और सब में लगभग ऐसे ही सब में होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो। हो गया सबका? कल्पना है, वैभव यादव गेमिंग, ठीक है बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, प्रीति विश्वकर्मा, प्रदीप, चंद्रकांत पाठक, चेतन, ठीक है बेटा। वकूर आलम निकल लो यहाँ से, तुम्हारे लायक नहीं है पढ़ाई वढ़ाई, तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ तुम नहीं पढ़ पाओगे। ये काफ़ी देर से परेशान है, अपना नंबर दे रहे हैं भाई, किस काम के हो तुम बताओ, तुम्हारा नंबर कोई क्यों लेगा भाई, कुछ करो कुछ बनो जिससे तुम्हारा नंबर लोग मांगे ढूंढें। आप देखते हो मोदी का नंबर कोई पा जाए बताओ, प्रधानमंत्री का नंबर पा सकते हो तुम, कहीं देते हैं प्रधानमंत्री नंबर, लो मेरा नंबर है, नहीं देते हैं ना क्योंकि वो इतने बिजी इंसान है। तुम मेरा नंबर पाओगे पर्सनल बताओ, हम तो बहुत बड़े नहीं हैं, तुमसे छोटे ही हैं, लेकिन तुम जितना हेल्पलाइन नंबर देख रहे हो, हमारे मित्र लोग सब में बात करते हैं, लेकिन तुम किसी को मेरा नंबर मालूम है, नहीं मालूम ना, नहीं बताते ना, क्यों, क्योंकि हम इतने लोगों को जोड़े हैं, हम अपना नंबर दे दें हम परेशान हो जाएं, और ये देखो इतना नंबर दे रहा है इसका कोई नंबर ले नहीं रहा है, तो यही अंतर होता है, समझ रहे हो ना, ये नंबर देने के लिए परेशान है कोई ले नहीं रहा नंबर। कुछ करो कुछ बनो जिससे लोग तुम्हारा नंबर मांगे, तुम खुद दिए पड़े हो। चलो अगला, इसलिए मैं समझाता हूँ, रोज समझाता हूँ, रोज बताता हूँ, पढ़ लो।
पी ऑफ एक्स इक्वल 3x-2। इसको क्या करना है, इसमें आप लोग बताओ। देखो सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी बताओ इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या आएगा। जैसे मैंने बताया था वैसे ट्राई करो, कितना आएगा भाई। अब मैं नहीं बताऊंगा, अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, तुम लोग कर लेना सब, अब सब कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब 2.3 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभिनव दुबे, उसको फ़ोन करके गाली दें क्या? हाँ बिल्कुल दो, तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ दो, ठीक है। सब लोग जो नंबर देना उसको फ़ोन करके खूब करियाओ, जी भर के करियाओ, बिल्कुल पूरा खुली छूट हमारी तरफ से। कमेंट में नंबर क्यों दे रहे हो, क्या चाहते हो बताओ। हाँ जितने भी, कोई भी लड़का नंबर देना, तो जितने भी लड़के हो सब लोग नंबर ले लो, और गर्ल्स लोग फ़ोन मत करना, बॉयज लोग सब लोग फ़ोन करके खूब सुना दो उसे अच्छे से। देखो कोई नंबर देगा ही नहीं दोबारा फिर, ठीक है। आपसे मैं पिन कर दूंगा जिसका नंबर आएगा ऊपर कमेंट में, वो हटेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है चलो आपकी आने दो। हाँ नंबर दो, सभी लोग नंबर दो, चलो दो, जो नंबर देना सबका नंबर ले लो, और खूब गरियाओ उसको जी भर के, दोबारा ना करे वो। भाई पढ़ने लिखने आए हो कि नहीं? देखो यहाँ पे समझो इसको क्या करना है, इसमें जीरो फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर करते हैं, और इसका वैल्यू जो है दिया है 3x-2 दिया है। इसको जीरो के बराबर करोगे तो एक्स का मान 2/3 आएगा, कितना आएगा 2/3 हो गया। हाँ चलो लिख लो, फटाफट लिख लो। शिवम कुमार, प्रिया शर्मा, बहुत अच्छे। राधे श्याम महतो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई इनका ले लो नंबर सभी लोग, तो रोहित चौहान का, ये काफ़ी परेशान है, इनका नंबर ले लो। देखो पिन कर दिया हूँ ऊपर, रोहित चौहान का नंबर ले लो सभी लोग, इनको सुनाना ज़रूर अगर नंबर सही होगा तो, क्योंकि ये काफ़ी परेशान है, सुनने के लिए उत्साहित है। नंबर ले लो, ऊपर दिया गया है, चलो। और किसी का कोई सवाल? बेटा देखो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई अपना नंबर कमेंट ना करो, किसी को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। देखो डिलीट कर दिया, चलो अगला। अब तुम लोग की मैं ना अच्छी बेइज्जती करूँगा, चलो करो। 3x इसको कर लोगे अब, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बात है। इसका कोई आंसर बताएं कितना आएगा। अब सभी बच्चे कर लेंगे तो बच्चा ये चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन 4 के जितने बचे पार्ट हैं सब कर लेना, जैसे मैंने अब फर्स्ट पार्ट सेकंड लेके 5 पार्ट तक किया है, वैसे इसमें के अभी एक का पार्ट और बचा है, सिर्फ एक पार्ट बचा है, कर लेना बस हो गया, ठीक है। एक ही पार्ट और बचा है तो चलो अब नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा, नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, चलो। चलें शुरू करें अगला, नेक्स्ट। आप लोग हेडिंग डालो शेषफल परिमेय, हेडिंग डालो शेषफल परिमेय, चलो जल्दी करो शेषफल परिमेय, लिख लिए। इंग्लिश में शेषफल परिमेय को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा एक मिनट, मैं एप्लीकेशन का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग PBR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, जिनको पूरा कंप्लीट क्लास इकट्ठा करना है उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जितना अब तक पढ़ाया गया आपको समझ में आया? देखो सिर्फ और सिर्फ मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं यही बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग ये बताओ आपको कुछ समझ में आया? जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया? आया समझ में ना? तो चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला क्या है, 2.3 का जो भी कंसेप्ट है वो शेषफल परिमेय पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हमें शेषफल परिमेय पढ़ना होगा, शेषफल परिमेय पढ़ने के बाद ही हम आगे कुछ इसमें कर पाएंगे, ठीक है। अभिनव दुबे, पढ़ाई कर लो बच्चा, अच्छी बात है, हाँ पढ़ाई कर लो, बातचीत संडे को करते हैं, संडे को आना, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, संडे को पढ़ाई नहीं करवाते हैं, सिर्फ बात करेंगे आप लोग से बस संडे को। नहीं एप्लीकेशन में फ्री क्लास भी है, पेड वाली भी है, जो तुम चाहोगे वो मिलेगी एप्लीकेशन में, पूरा कई तरह की सुविधा है, एक बार डाउनलोड करके ट्राई करना फिर मुझे बताना जैसा है, एक बार डाउनलोड करके ट्राई करना फिर मुझे बताना। शेषफल परिमेय,
ये क्या है भैया, जानते हो कि नहीं? ये बताओ कौन कौन इसको जानता है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है जानते हो? देखिए, जैसे हम लोग भाग करते हैं तो हम लोग को मालूम है उसमें क्या क्या आता है। भाग करने पे भाजक होता है जिससे हम लोग भाग करते हैं, जिसमें भाग किया जाता है वो भाज्य होता है, जो ऊपर जाता है जिसे बोलते हैं, जो उसका मेन होता है वो क्या होता है, भागफल होता है, मतलब उसका रिजल्ट होता है कुल मिला के मेन मुख्य। और जो बच जाता है नीचे वो क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। लाला राम चौधरी बिल्कुल एप्लीकेशन में फ्री क्लास भी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। उसमें कई चीज़ें आप डाउनलोड करके एक बार देखो, फ्री भी है, पेड भी है, लाइव टेस्ट वगैरह बहुत कुछ है, ढेर सारा चीज़ मिलेगा, डाउनलोड करना। चलो देखो समझो, तो शेषफल परमीय के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग ये जानते हो कि नहीं, क्या होता ये? ए भाई ये सुने हो कि नहीं, एक मिनट रुको, लिखने दो पहले। भाज्य बराबर लिखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। भाज्य का मतलब होता है डिविडियंड, भाजक का मतलब होता है डिवाइजर, और भागफल मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, प्लस कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो बच्चा इसमें क्या करना है हमें, समझो यहाँ से, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये शेषफल परमीय क्या है। तो आप इसको लिख लो, तो उसके बाद फिर हम आपको आगे लिखवाते हैं इसका मुख्य क्या चीज़ है जो आपको समझना है, वो चीज़ आप समझ लो। जो बच्चे एनसीईआरटी किताब लिए हैं वो बुक खोल लें, पेज नंबर मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे मुख्य एनसीईआरटी बुक लिए हैं, सेंट्रल एनसीईआरटी मतलब किसी राज्य वाली एनसीईआरटी नहीं, वो लोग खोल लें अपनी बुक में, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 खोल लीजिए। जितने भी बच्चे किताब लिए हैं एनसीईआरटी की, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कहीं से भी हो, आप एनसीईआरटी बुक लिए हो तो पेज नंबर 46 खोलो। पेज नंबर 46 पर आपको शेषफल परमीय दिख रहा है, रिमाइंडर थ्योरम दिख रहा है सीबीएसई वालों में, दिख रहा बच्चा कि नहीं? हाँ हाँ, एक 42 पे भी तुम्हें दिया होगा, लेकिन वो नहीं है। 42 पे जो दिया है वहाँ से कहानी शुरू होती है, वहाँ से नहीं करना है आपको, 46 खोलना है, ठीक है, 46 खोलो, 42 नहीं। तो अबे भाई कहीं भी होगा शेषफल परमीय, थोड़ा आगे पीछे किसी किताब में होगा, तो किसी में 46 है तो 48 में होगा, 42 में होगा, ढूंढ लो आगे पीछे, शेषफल परमीय उसमें देखो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। कह रहा है कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स एक से अधिक, मतलब एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए p ऑफ x को q ऑफ x से भाग दिया जाता है। किससे? ये सब माने लेने को तो कह रहा है, कह रहा कि मान लीजिए p ऑफ x को q ऑफ x से भाग दिया जाता है, नहीं, x माइनस a से भाग दिया जाता है, ऐसा बोल रहा है। आगे कह रहा है तो भागफल q ऑफ x होता है, क्या होता है, भागफल q ऑफ x होता है, तथा शेषफल बच रहा है, कह रहा है क्यू ऑफ आर, ये बता रहा है ना, यही क्या है, शेषफल परमीय है, यही क्या है, शेषफल परमीय है। नहीं मिल रहा है तुमको, नहीं मिलेगा भाई, पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा, ये जो इधर उधर करने वाले बच्चे हैं जैसे व्हाट्सअप यादव का कमेंट आ रहा है, इनको नहीं मिलने वाला है, इनको तो केवल सोना चाहिए, दाल भात खा करके दोपहरिया में 2 घंटा सोना चाहिए, हाँ शाम को नहीं बोलेंगे जाने दो। चलो ये हो गया, ये आप समझ गए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका रिमाइंडर थ्योरम का। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जो थ्योरम है उसको आपको लिख के दिखाऊंगा, मतलब सिद्ध करूंगा, आप उसे देखना ध्यान से, इसको इतना समझ लो, ठीक है। ये तो देसी भाषा में समझने के लिए एक लाइन लिखा था, उसको मिटा रहा हूँ। चलो समझो, इधर साइड में देखो, जिनकी किताब में नहीं मिल रहा है वो भी केवल समझें,
केवल समझें, किताब के टेंशन में ना पढ़ें कि हाँ नहीं मिल रहा है, समझ लो बस। जिनकी मुख्य एनसीईआरटी है उनके में मिल रहा होगा। देखो कुछ लोग को मज़ा आ गया, दाल भात खा के दोपहरिया में सोने को बोल दिए, मज़ा आ गया ना। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। चलो देखो समझो आगे, फिर ये हो गया, बेइज्जती हो गई भाई तो सॉरी, लेकिन सही बात है, हम भी ऐसा करते थे पहले, अब नहीं करते। तो अब आगे लिखो, इसमें करना क्या है, इंग्लिश में लिखवाऊं कि हिंदी में, ये बताओ। इंग्लिश में लिखाऊं कि हिंदी में, सबसे ऊपर लिखता हूँ। चलो अभी हिंदी में लिखा था, अब इंग्लिश में लिख लो। डिबीडियन, स्पेलिंग यही होती है ना, डिबीडियन इक्वल डिवाइजर। देखो अभी मैं हिंदी में लिखा था, अब ये मत कहना तुम कि हिंदी वाला नहीं लिख रहे हो, हिंदी वाला मैंने लिखा था, मिटा दिया। स्पेलिंग वगैरह अपना सही कर लेना अगर गड़बड़ होगा तो। ई एन टी है प्लस रिमाइंडर, अभी मैं हिंदी में लिखा था यही चीज, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आप लोगों ने नहीं लिखा था तो उसे लिख लो, ठीक है। तो बच्चा देखो अब इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसका पूरा भयानक रूप, समझो यहाँ से। देखो बेटा 45 सेकंड में कमेंट रोका हूँ एक एक बच्चा का, नहीं तो ये लोग ना इतना कचड़ा कर देते हैं ना यहाँ पे कि तुम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते थे। देखो समझो, यहाँ पे समझना क्या है, डिविडेंड ये पी ऑफ एक्स, क्यों भैया यही था का, डिवाइजर क्या था, एक्स माइनस ए। एक बार फिर से पढ़ लो, किताब लिए हो, देखो जिनके पास किताब नहीं उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। किताब लिए हो तो पेज नंबर किसी में 42 है, किसी में 46 है, वैसे 46 पे मैं बता रहा हूँ, जो मेन एनसीईआरटी है, मुख्य एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 46 पे दिया है, शेषफल परमीय, उसको खोल लो, उसमें क्या कह रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर नहीं है तुम्हारे पास किताब तो लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो, आराम आराम से बोलूँगा, लिख लो। मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक घात वाला एक बहुपद है। आगे क्या कह रहे हैं, जब पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, जब पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू ऑफ एक्स, भैया भागफल खोपड़िए तो आवा था ऊपर है ना, ये आता है, तथा या फिर और जो भी लिखा हो तुम्हारी किताब में, शेषफल आर ऑफ एक्स है, तो शेषफल ये नीचे आग बचेगा ना, आर ऑफ, अरे आर ऑफ एक्स नहीं यार, पी ऑफ आर होगा ना, क्या है शेषफल, आर ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, ये पी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है आर ऑफ एक्स, ये क्या है शेषफल है, नीचे नहीं दिख रहा है आप, ये भी एक मुसीबत है, मैं क्या क्या करूँ, एक मिनट रुको दिखा रहा हूँ, चलो अब दिखा, नीचे दिखा, शेषफल क्या है, आर ऑफ एक्स है, ये क्या है, पूरी इसकी कहानी है। तो हम क्या लिखेंगे, डिविडियन मतलब भैया भाज्य, ये भाज्य है, इसको पकड़ के यहाँ लाग पटका, डिवाइजर यानी भाजक, भाजक मतलब यहाँ लाग पटको, एक्स माइनस ए, ये नौ नहीं है, मैंने ए लिखा है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल है बेटा, नहीं तो इसको तुम नौ लिख लो, नौ नहीं है ये, मतलब कान से सुनो दिमाग से समझो और हाथ से लिखो तभी चलेगा, अगर तुम सिर्फ छापोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है, प्लस कोएफिशिएंट कितना आया है, क्यू ऑफ एक्स, और प्लस रिमाइंडर, शेषफल क्या है, आर ऑफ एक्स, ये पूरी क्या है, कहानी है। अब चलो इसको पूरा हम यहाँ पर आपको विस्तार से दिखाते हैं। रजनीश, कुछ समझ में आ रहा है बच्चा, राहुल बाबू, राजीव प्रकाशन में भी 46 पर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी किताब में मिल गया, तुम खुश हो गए, चलो। अच्छा ये चाचा सुनो, क्लास तो नहीं लाइक कर रहे हो तुम लोग, याद आ गया मुझे, जैसे वो कॉमेडी सुने हो ना, मुझे मेरा मालिक याद आ गया अचानक, तो भाई मुझे भी याद आ गया कि तुम लाइक नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से लाइक कर दो भैया, आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम ज़्यादा है नहीं वेस्ट करने के लिए, फटाफट लाइक कर दो, तुरंत आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब इसमें हमें क्या करना है, आगे जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर ए रखना है, क्या रखना है, ए रखना है, ठीक है, इतना सा ही करना है। जहाँ ए का मतलब कोई भी गिनती रख दो भैया, ए का मतलब कुछ भी, एक कोई मतलब
अगर बोले तो पूर्ण संख्या ना, कुछ भी रख दो एक। चलो देखो कैसे, यहाँ पर अगर हम a रखते हैं तो p ऑफ a इक्वल ये हो जाएगा बेटा a माइनस a प्लस, समझो ये q ऑफ x का मतलब क्या हुआ पहले बताओ मुझे, जल्दी बोलो। q ऑफ x का मतलब यहाँ पर a रहेगा अंदर में कोष्ठक में ना, हाँ तो ये हो जाएगा q ऑफ a प्लस r ऑफ, यहाँ पर a मतलब यानी x का मतलब a, ठीक है इतना समझ में आ रहा ना सबको। शेषफल तो लेकिन अलग से जोड़ा गया था ना, तो यहाँ पर कहाँ q ऑफ था, क्या था ये तो रिमाइंडर अलग से जोड़ा गया था ना, एक मिनट सुनो, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पर r ऑफ x से कोई मतलब ही नहीं है, रिमाइंडर मतलब r, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ r लिखना है, ओनली रिमाइंडर लिखना है बस साइड में, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा कोई, ठीक है सिर्फ r लिखना है बस आपको। अब देखो बच्चा ये क्या क्या हो जाएगा, आप जरा यहाँ पे सोचो और समझो और बताओ मुझे, चलो बताओ क्या हो जाएगा। x माइनस a, अरे यार मतलब इतना देर से दिमाग नहीं काम कर रहा भाई, ये भाजक यहाँ पे गुणा होता है, सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ कि ये जा कहाँ रहा है ना, आप लोग भी काफ़ी सोच रहे होंगे गलत गलत पढ़ा रहे ना, अभी हिंदी में लिखा था तो क्या लिखा था, गुणा ही लिखा था ना, हिंदी में लिखा था तो गुणा ही लिखा था ना, कि उसमें भी यही लिखा था प्लस। देखो कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, सॉरी इसके लिए, चिन्ह वगैरह थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, वैसे फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोग क्या करेंगे मिस्टेक वाला पार्ट काट करके वायरल कर देंगे, कहेंगे ये तो गलत पढ़ा रहे, मतलब पूरी कहानी समझो। हाँ चिन्ह की थोड़ी मिस्टेक थी मैंने माना, आगे जा करके खुद पकड़ में आ जाएगा, जैसे आगे जाओगे तुरंत मालूम चल जाएगा, हाँ तुरंत मालूम चल जाएगा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आगे ये हल ही नहीं होता, अभी यहाँ प्लस कर देते तो आगे जाके लटक जाता ये मामला, अटक जाता फिर, जैसे ऐसे समझ लो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आगे जाके किसी के घर में घुसने लगो, वहाँ सड़क बंद है तो क्या जाओगे, किसी घर में घुस जाओगे, वहाँ पे तो रोडें नहीं आ गई, तो वैसे आगे ये क्या होता लटक जाते आके। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा इंटू क्यू ऑफ ए और प्लस आर, तो फाइनल में इसका गुणा करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, केवल आर बचेगा, यानी हम कह सकते हैं पी ऑफ ए इक्वल क्या बचेगा आर। तो कुल मिला करके फाइनल आपका हो गया, इसे लिख लो, यही था शेषफल परिमेय, ये क्या है शेषफल परिमेय, ठीक है समझ में आया ना सबको, सबको समझ में आया, चलो ठीक है लिख लो, ये आपका क्या था रिमाइंडर थ्योरम, क्या था ये रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग इसी आधार पे क्वेश्चन करेंगे किताब वाला, लेकिन मुझे लग रहा है आज टाइम नहीं बचेगा ना, किताब वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 खोल लो, मैं एक बता देता हूँ उसी तरह से तुम लोग ट्राई करना, फिर कल बता दूंगा ठीक है। मनीषा शर्मा लाइफलाइन सूर्यवंशी तेजस्वी बहुत बहुत धन्यवाद, रूबी द्विवेदी हाँ जी बताइए आर्डर करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया मैं मिटाऊँ इसे लिपूँ कि नहीं, चलो देखो जैसे हल हो जाए वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत देर ना किया करो, और बाद में आराम से फुर्सत में बैठ के एक एक अक्षर छापा करो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम तो होता नहीं कि तुम छापो और मैं बैठा रहूँ। तो बच्चा 2.3 खोल लो, जो बच्चे एनसीईआरटी वाली बुक लिए हैं चाहे वो यूपी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है कोई भी बोर्ड है, और कुछ तो बता रहे हैं कि राजीव प्रकाशन में भी वही पेज है, तो ठीक है 2.3 खोलो। आदेश यादव बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सब मिलेगा मिलेगा, यहाँ पे कोई ये भगवान की कथा थोड़ी हो रही, कभी शंख बजेगी तुमको मिलेगा थोड़ा थोड़ा, हाँ नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ ना मिलेगा समझ रहे हो ना। मनोज सिंह ठीक है औरंगाबाद से हो तुम वहीं बैठे रहो बोलो मत। 2.3 देखिए बच्चा इसमें का मतलब क्या है, ये शेषफल परिमेय हम लोगों ने क्यों पढ़ा है पता है, शेषफल परिमेय इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो 2.3 का आपका पहला क्वेश्चन है, 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस ये 3x प्लस 1, इसमें क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब फाइनल इसका ये है कि इसको भाग करना है किससे, है इनसे करना, चचा से, x प्लस वन से इनको भाग करना है। तो भैया जैसे मैं तुमको कहूँ कि बेटा 24 में 3 का भाग करना है, तो तुम कहोगे इसमें कौन बड़ी बात है, इसको तो मैं कर ही लूँगा, हाँ इसको तो कर ही लोगे, यही कहोगे ना। देखो यहाँ पे समझो, 3 का भाग 24 में कर लोगे, 8 बार जाएगा 3 8 24। लेकिन ये बात बताओ मुझे, इसमें से कितने बच्चे हैं जो इसका भाग इसमें कर लेंगे, बोलो जो जो कर पाएंगे बोलो यस। काजल हो जाएगा, नीतीश, हीना साहू, अखिलेश कुमार, सोनू हो जाएगा, प्रतिमा आपका भी हो जाएगा, पिंटू बेटा हो जाएगा ना, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। जैसे इसका 3 का भाग इसमें करोगे 8 बार जाएगा, वैसे इसका भाग इसमें करना है। देखो हो तो जाएगा, कुछ लोग तो ऐसे कह दे रहे हैं हाँ हो ही जाएगा, जैसे लग रहा है हलवा है खा लेंगे बस, पानी नहीं पियेंगे, हाँ ये हो जाएगा लेकिन इतना आसानी से नहीं हो जाएगा, मतलब थोड़ा कठिनाई करनी पड़ेगी इसमें। तो हमें क्या करना है बच्चा, इसको भाग करना ही नहीं है, अभी जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो ना उसी को इसमें ला के ढकेल देना है। क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम ला के इसमें ढकेल देना है, हमें भाग नहीं करना है। भाग करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ कैसे भाग करते हैं। देखो एक बार समझ लो भाग करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, कर तो लोगे। देखो यहाँ पे समझो, इसमें भाग करने का मतलब ये है कि ये ऐसे बनेगा, उधर यह दिख रहा है ना, देखो एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है ना। इसमें भाग करने का ये मतलब है कि ऊपर आप x का स्क्वायर बार ले जाओगे तो x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, ये 3x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो भाई साहब ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ऊपर से तुम 3x उतार लोगे, क्या उतार लोगे, ऊपर से तुम 3x उतार लोगे, हैं सही है का ही गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह बदल रहा है और यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, तो ये घटेगा, 2x का स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर बचेगा और प्लस 3। अब ऊपर हम कितना ले जाएंगे, 2x ले जाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x। अब इसमें से अधिकांश लोगों को ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, है ना, ये इतना आसान नहीं है। हाँ आएगा, अगर आप सिस्टम से सीखोगे तो आएगा, आएगा सिस्टम से सीखोगे तो आएगा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, इसमें कितने लोगों को ये समझ में आया मैंने जो किया दो स्टेप, अगर किसी को समझ में आया तो बच्चा लिखो हाँ, ये एच ए, हाँ एच ए, हाँ लिखो जल्दी, आया समझ में, किसी को समझ में आया, ना आया तो ना लिखो, आया कुछ थोड़ा बहुत, देखो ये तरीका काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है बेटा। सौर्य क्या प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कहा था ही दिया था ना, ठीक है इसको मुझे करना भी नहीं है, जो भी है वो सही है। एक्स का स्क्वायर गया तो ये एक्स का क्यूब आया प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाता है, हमें ये तरीका करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, शेषफल प्रमेय यूज करना है जो अभी आपने पढ़ा है। ये तरीका थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसमें अधिकांश बच्चों का गलत भी हो जाता है, इसमें टाइम भी लगता है, तो ये तरीका करना ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जिनको नहीं समझ में आया बहुत अच्छे हैं, हाँ क्योंकि वो तरीका यहाँ पे करना ही नहीं, हाँ लेकिन सीखना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है इसका पहला पार्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट है बट्टा, ये उसका पहला पार्ट, पहला पार्ट में कह रहा है एक्स प्लस वन, तो हम इसको मान लेंगे, क्या इसको हम मान लेंगे जो ऊपर दिया है उसको पहला पद मान लेंगे, उसको दूसरा मान लेंगे, हाँ चलो तो हम इसको मान लेंगे पी ऑफ एक्स, क्या मान लेंगे पी ऑफ एक्स, मेन वाले को, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लिख लो आप लोग इसे, इसको क्या मान लेंगे क्यू ऑफ एक्स, चूँकि हमें इससे क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय क्या कहती है बताओ मुझे, शेषफल प्रमेय अभी तुम निकाले हो, पी ऑफ
क्या निकाले थे, बराबर क्या आ रहा था? अभी निकाले हो ना, अभी अभी निकाले हो सभी। शेषफल प्रमेय से हमें क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर देना है। यहाँ से हमें इसका क्या निकाल लेना है, अभी अभी पढ़े हो, जीरो निकाल लेना है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, आगे लिखो फटाफट, लिखो लिखो लिखो, चलो लिखो लिखो। शेषफल प्रमेय से, शेषफल परमीय से अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। अब इधर आ जाओ, नीचे जगह नहीं हमारे में इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या करोगे बच्चा, इनको क्या करोगे, क्यू ऑफ एक्स इक्वल जीरो करोगे। तो क्यू ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस वन है इक्वल जीरो, तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस का वन, क्या आएगा, माइनस का वन। अब देखो ये क्या आंसर हो गया, बताओ क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये मान तुम ले जा करके मेन वाले में रखोगे, ठीक है। मेन वाला का मतलब जो आपका पी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, पी ऑफ, देखो इसमें मान रख रहा हूँ, इसमें पी ऑफ एक्स वाले में, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस वन हो जाएगा। तो बच्चा हो ये माइनस वन का होल क्यूब, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे यक्स का होल क्यूब था, तो इस वजह से इसका मान रखा माइनस वन, तो माइनस वन का होल क्यूब हो गया। बीच में प्लस तो ठीक है, तीन भी ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यक्स का स्क्वायर है, तो यक्स का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये तीन और गुणा यक्स, यक्स का मतलब माइनस वन और प्लस वन, इनको हल करना है, जो भी आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। उधर थोड़ा कट रहा है तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ कैमरा, मैं इधर गिरा देता हूँ, हल्का खिसका देता हूँ। हाँ, तो हमें क्या करना है, अब इसको समझना है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे चौड़ा करने दो इसे। हाँ चलो समझ लो, समझना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस वन का कितना बार भी गुणा कर दो तुम, क्या होगा भाई, माइनस वन का कितना बार भी गुणा कर दो वो माइनस, हाँ वो माइनस ही होगा। तो ये माइनस वन हो जाएगा, और ये वन का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और ये तीन हो जाएगा, और ये माइनस तीन प्लस वन, प्लस प्लस जुड़ेगा बेटा, तो ये माइनस का चार और प्लस का चार, फाइनल में क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। लिख लो इसको पूरा, इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। सबको समझ में आया? काजल कमेंट आ रहा तुम्हारा, मैं क्या करूं, तुम्हारा नाम ही बोलूं कि पढ़ाऊं? काजल कमेंट आ रहा है, अब बताओ क्या चाहती हो, कि मैं पढ़ाऊं या फिर आपका नाम ही बोलूं हमेशा? लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया आज की क्लास इंड होने का, काफ़ी टाइम हो रहा बच्चों। तो फिर किसी का कोई सवाल है, कोई शिकायत है तो बताओ, नहीं तो बंद करें क्लास को आज, थोड़ा छोटे हो जाएं हम। आप सही लग रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी फ़ोटो भी आ जाएगी अच्छी सी, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। कोई लिया कि नहीं, इतना देर झुक के खड़ा था। तो देखो आज का ये क्लास यहीं पे हो गया ख़त्म, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हो गई पूरा बात ख़त्म हो गई। काम्या मौर्य दिख नहीं रहा है, देखो बेटा तुम एक चश्मा बनवा लो अपने डैडी को बोल के, लकड़ी का, कहे तो मुझे दिखता कम है, हाँ बनवा देंगे, सही रहेगा, दिखेगा। विवेक देखो समझ में आएगा जब तुम रोज़ पढ़ोगे तब ना, यही चच्चा बन के एक दिन आ जाओगे, नहीं समझ में आएगा, रोज़ पढ़ोगे तब आएगा। कहाँ भूकंप आ रहा भाई, हमारे यहाँ तो भी नहीं आया, देखो पंखा भी नहीं गिर रहा है, हम भी नहीं गिर रहे हैं, देखो बच के रहना, भूकंप आता है तो क्या करते हैं पता है, कोई मजबूत और कोई टिकाऊ उसके चीज़ के नीचे छुपते हैं, भागते नहीं हैं, भागते नहीं है, क्योंकि भागने में और बड़ा खतरा है। तो चलें फिर आज का क्लास बंद करते हैं, आप लोग जल्दी से एक मिनट ये बताओ कौन कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन कौन किस जिले से जुड़ा हुआ है, मज़ा आती है ना बहुत आप लोग को, आपका शहर कौन सा है बताओ, चलो जल्दी बताओ सभी, आपका शहर कौन सा है जनाब, जिला कौन सा है, एक ही बार कमेंट करोगे, एक ही बार कमेंट करोगे, क्योंकि मैं रोक दे रहा हूँ, कमेंट दोबारा आएगा नहीं जल्दी से, दो मिनट, आई दो सेकंड हो गया कबे भाई, बहुत जल्दी हो गया।
एक मिनट उल्टा हो गया, मैं 2 मिनट लगाने वाला था तो 2 सेकंड हो गया वो। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। राहुल आजमगढ़ से हैं भाई, बहुत अच्छे। बंटी सिंह बिहार से हैं। हीना छत्तीसगढ़। प्रयागराज से आशुतोष सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नीतीश, गोपी यादव, सौर्या, चेतन और पंकज। पबज गुरु कुशीनगर से हैं। प्रिया शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले से हैं, बहुत अच्छे, आज काफ़ी तेज कमेंट आ रहा है। विजय मिश्रा वेस्ट चंपारण से हैं। और रतन भाई हैं जयपुर राजस्थान से। और इनका नाम है गांडालाल वर्मा जी, ये अलीगढ़ से हैं। बहुत अच्छे, इसमें तो देखो बड़ा मज़ा आता है तुम लोग को भाई, अपना जगह का नाम, ज़िले का नाम बताने में। दीपक उत्तराखंड से हैं, और एक दीपक और हैं जो कि रायबरेली यूपी से हैं। रेनू और रैया यूपी से हैं। कृष्णा चौधरी भाई मऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। पंकज कुमार पांडे यूपी आजमगढ़ से हैं। कोमल मौर्य ये इलाहाबाद से ही हैं, इलाहाबाद से आपकी क्लास भी चलती है। संजीत कुमार, साक्षी यादव कानपुर ज़िला से। और कोई एनीवन? भैरव राम गेमिंग राजस्थान के बूंदी ज़िले से हैं। दीक्षा शर्मा अलीगढ़ यूपी से हैं। संजय कुमार नालंदा बिहार से हैं। साक्षी यादव कानपुर ज़िला से हैं, वो तो कमेंट आ रहा है आपका। सोनू यादव चतरा से हैं। ये चतरा कहाँ भाई, झारखंड में है का? मुझे देखो ज़्यादा पूरे देश के ज़िलों के नाम नहीं मालूम है, क्योंकि बच्चे तो हर जगह से होते हैं। हाँ लेकिन लगभग में मालूम हो जाता है। नागपुर से कौन है भाई? नमन। अजब सिंह भी प्रयागराज से हैं। कमाल है यार, अजब सिंह की गजब कहानी। अब मेरी मोबाइल अच्छी लग रही है क्या? देखो इसमें एक ठी कवर लगाया था खड़ूस टाइप की, वो बड़ी गंदी थी, मैंने उसको निकाल दिया। अच्छा लग रहा है ना अब? सुंदर है, नई नई लग रही ना। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ना, मैंने सोचा इसलिए निकाल देता हूँ। पूछते हैं जो है ना उनको बता दूँ ये सैमसंग का है। बहुत से बच्चे काफ़ी दिन कमेंट करते हैं, तो हम चाइना से काफ़ी बड़ी नफरत करते हैं, तो चाइना का कोई भी डिवाइस नहीं लेते जल्दी से, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। हाँ विजय भैया, देखो इंग्लिश या हिंदी लिखो तो मुझे समझ में आया, आपकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है। अंश सिंह कुशीनगर से हैं। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिनका नाम नहीं ले पाए, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं उनसे। कल की क्लास में उनका नाम बोला जाएगा। रोज़ आना शाम को 7 बजे से मैथ पढ़ने के लिए, और सुबह 7 बजे साइंस पढ़ोगे ना, सुबह 7 बजे साइंस पढ़ना। एक चीज़ और सुन लो कि आप सभी बच्चे PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो बच्चा, जिससे आपको क्लास को लिंक मिल सके। ठीक है, सभी बच्चे PVR स्टडी को टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे नाम है PVR स्टडी, मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे जा करके PVR स्पेस स्टडी लिख करके सर्च करना है, चैनल मिल जाएगा। राजकुमार साहनी, ठीक है, पोको नहीं है बेटा, सैमसंग M31S है, सैमसंग M31S है, ये ओक्को पोक्को हमें नहीं मालूम क्या है। और दूसरी बात ना, हमारा काम बहुत भारी रहता है, हम अब तक कहिए मर गए होते अगर ऐसी मोबाइल लेते तो। पता है ये ऐसी मोबाइल फट जाती ज़्यादा लोड पड़ने पर, जो गड़बड़ टाइप की होती, घटिया टाइप की। हमारे मोबाइल में लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चों के नंबर हैं व्हाट्सएप पे। अब बताओ अगर 25-30 हज़ार नंबर व्हाट्सएप में सेव कर लोगे अपने, चलेगा तुम्हारा मोबाइल? हाँ, जो तुम लोग देख रहे हो नंबर नीचे चल रहा है हेल्पलाइन वाला, वो इसी में है। अब इस पर तुम लोग इकट्ठे मैसेज भेजोगे तो कितना मैसेज आएगा व्हाट्सएप खोलने पर, सोचो। ठीक है, बंद करें फिर। वर्षा यादव, राधा प्रजापति, ठीक है, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, टेलीग्राम पे PVR स्टडी ज्वाइन कर लेना। एक बात और सुन लो जाते जाते, आप सभी बच्चे PVR स्टडी 3.0 चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चा, क्योंकि आपकी क्लास आने वाली इसी चैनल पे चलने वाली है। शेड्यूल बदल रहा है, अगले महीने से इसी चैनल पे क्लास चलेगी, जहाँ देख रहे हो इस पे नहीं चलेगी। तो अभी तुरंत जाके इसे सब्सक्राइब कर लो, मैं लिंक दे देता हूँ तब जाऊँगा। जल्दी से जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लो बाबू, क्योंकि ये आपका 9th-10th वालों के लिए स्पेशल चैनल है हमारी तरफ से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th के बच्चे जुड़ते हैं, वो 9th-10th वालों के लिए ही है। गुरु का आशीर्वाद भाई, बहुत दिन के बाद आप आ रहे हो। हाँ क्यों, आशीर्वाद कहाँ चले गए थे भाई? आपके बिना तो क्लास सुनी सुनी से लग रही थी, लेकिन ये बेसिक मैथ तो है नहीं। हाँ फिलहाल आपकी बेसिक मैथ आपके काम की है।
तो देखो भैया, मैं लिंक भेज दिया हूँ, जिनको पढ़ना है रेगुलर 9th का हमारे साथ फ्री, वो सभी जाके अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाकी जिनको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, मिलेंगे फिर कल की क्लास में, ठीक है? तो बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर कल, थैंक यू, ओके। वैसे जय हिंद ऐसे बोलते हैं ऐसे।